वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है केएस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इग्नू के स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के बारे में, कि हमें वो कैसे सर्च करने हैं, कौन से रीजनल सेंटर के अंडर में कितने स्टडी सेंटर आते हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनके कोऑर्डिनेटर कौन हैं और उनके मेल आईडी वगैरह, यानी ऑल ओवर सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें सर्च कैसे करना है कि आपके रीजनल सेंटर का क्या एड्रेस है, उसकी क्या ईमेल आईडी है और वहां हम कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो मैं आपको लैपटॉप पर ये सभी चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, आपको ये URL इस जगह पर फिल करना है और इस URL का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इस URL पे को एंटर करें और एंटर करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आप देख सकते हैं, यहां पर इग्नू के सभी रीजनल सेंटर की डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि रीजनल सेंटर का नाम, रीजनल सेंटर के डायरेक्टर का नाम, एड्रेस, वहाँ का टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस और ऑपरेशनल एरिया। ऑपरेशनल एरिया वो है जिस जिस स्टेट में ये रीजनल सेंटर अवेलेबल है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे जाकर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से रीजनल सेंटर हमें दिए हुए हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद, मतलब ऑलमोस्ट सभी इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सब जगह इग्नू के रीजनल सेंटर अवेलेबल हैं। किसी स्टेट में एक, किसी स्टेट में दो रीजनल सेंटर भी इग्नू ने दिए हुए हैं। तो थोड़ा सा नीचे चल के आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दिल्ली 2 का रीजनल सेंटर के बारे में दिखाऊंगा। यहाँ का रीजनल सेंटर का जो कोड है वो 29 है और ये दिल्ली 2 का है। यहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो KD प्रसाद हैं और रीजनल सेंटर का एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर उसके फ़ोन नंबर भी मेंशन है। देन आप आगे देख सकते हैं रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी और साथ ही साथ ऑपरेशनल एरिया भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट या जोन के लिए ये रीजनल सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे काफ़ी सारे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बुराड़ी, सिविल लाइंस। सो अब हम देखते हैं कि दिल्ली 2 के अंडर में कौन कौन से स्टडी सेंटर आते हैं और उन सभी की डिटेल्स भी हम अब जानने वाले हैं। तो इसके लिए हमें दिल्ली 2 पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दिल्ली 2 पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिल्ली 2 के अंडर में जितने भी स्टडी सेंटर आते हैं उन सभी का स्टडी सेंटर कोड, स्टडी सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर के इंचार्ज का नाम, एड्रेस और प्रोग्राम एक्टिवेटेड, यानी कि कौन कौन से कोर्स इन स्टडी सेंटर पर अवेलेबल हैं, वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो आप देख सकते हैं दिल्ली 2 के सभी स्टडी सेंटर की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। सो थोड़ा आप नीचे चलते हैं तो आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट सभी रीजनल सेंटर, सभी स्टडी सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको 0729 रीजनल सेंटर कोड है, ये स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डॉक्टर सुभाष चंद्र आनंद हैं और इसका एड्रेस है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, इग्नू स्टडी सेंटर, अलीपुर। और यहाँ पर आपको BA, BCOM, BPP, BSc, BTS ये सभी कोर्सेज जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं ये सभी इस स्टडी सेंटर पर अवेलेबल हैं। तो जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं उससे पहले एक बार चेक कर लें कि कौन से स्टडी सेंटर पे कौन से कोर्स अवेलेबल हैं और कौन सा स्टडी सेंटर आपके नियर बाई होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी अपने रीजनल सेंटर जाने में और साथ ही साथ अपने स्टडी सेंटर भी जाने में। सो यहाँ पर आप सभी स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बिकॉज इस पोर्टल में सारे के सारे रीजनल सेंटर अवेलेबल हैं। ऊपर आप चाहें तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं रीजनल सेंटर को, आपकी सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी सिटी के रीजनल सेंटर के बारे में दिया हुआ है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी सिटी अवेलेबल हैं, तो आप उस सिटी के अकॉर्डिंग जिस सिटी में आप रहते हैं अपने रीजनल सेंटर को फाइंड आउट करें। यहाँ पर हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर, ईटानगर, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली के 3 सेंटर हैं, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3। सो ऑलमोस्ट आपको सभी स्टेट के स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो अपने रीजनल सेंटर को मेल कैसे करें, उनकी मेल आईडी क्या है, तो आपको यहाँ पर अपने रीजनल सेंटर की मेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी यहाँ से मिल जाता है। सो ये इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो प्लीज़ अगर
वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।